बात करते हैं हम अमेठी की, जहां अमेठी एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीपरपुर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र की महिला की शिकायत पर उसके पति को एक बड़े शातिर अपराधी के चुंगल से मुक्त कराते हुए उसके पति की जिंदगी बचाई है। बताते चले कि पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर रामगंज का है, जहां पर एक दिन पहले अर्चना सोनी ने अपने पति राजकुमार सोनी की जान को खतरा बताते हुए एसपी से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर एसपी के निर्देश पर हरकत में आई पीपरपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी तो बड़ी मामले की खुलासा हुआ। दरअसल पीपरपुर थाना क्षेत्र के त्रिशुंडी निवासी रिंकू उर्फ अनिल ने पीड़ित वादी अर्चना सोनी के पति को अपने मकान में बंधक बनाकर रखा था और शराब के नशे में शातिर बदमाश ने पीड़ित महिला के पति को फर्जी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए उसकी जमीन और मकान को भी अपने नाम करा लिया था। एसपी ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मैम क्या मामला है, किस तरीके से अपहरण करके? कल 16 तारीख को मेरे ऑफिस में एक महिला आई अर्चना सोनी और उसने मुझे बताया कि उनका पति जो है उस राजकुमार सोनी को एक रिंकू नाम का लड़का, रिंकू अनिल नाम का लड़का 10 दिन से नहीं ले गया है, जिसके बारे में कुछ उसको खबर नहीं है। तो जब उससे पूछा गया कि आप 10 दिन बाद क्यों आके रिपोर्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मायके गई थी, अब मैं घर आई हूँ कल रात को, और कल रात से मेरा पति लापता है। तो उस संबंध में उसने कुछ हम लोगों को कुछ संदिग्ध लोगों के फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए, जिस नंबर के थ्रू उसके पति की ये लड़का रिंकू बात कराता था उसका नंबर दिया, और उस नंबर को ट्रेस करके हमने इस पति को उसके पति को विदिन 2 आवर्स हमने रिकवर किया। और उसके बाद जब छानबीन हुई, पूछताछ हुई, तो ये पता चला ये रिंकू नाम का लड़का जो है इसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, और इसने अनिल को, ये रिंकू अनिल ने राजकुमार सोनी को बंधक बनाया, अपना कन्फाइनमेंट में रखा, और उसमें इसको इनेब्रिएट करता रहा, उसको सिडेट करता रहा, शराब पिलाता रहा, और उसी नशे में रख के अपने उसके मकान के और प्रॉपर्टी के कागज़ सब अपने नाम करा रहा था। और महिला को ये शक था कि वो उससे ना बात करा पा रहा था, ना उसकी लोकेशन बता रहा था, तो उसका एक तरह से इसने अपहरण कर लिया था। विदिन 2 आवर्स अमेठी पुलिस ने उसको रिकवर कराया है, और रिंकू और अनिल को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और ये घटना का इतना त्वरित और इतना जल्दी अनावरण किया गया है। मैम इनका आपराधिक इतिहास क्या क्या रहा? आपराधिक इतिहास बहुत है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर 307, 323 और गाली गलौज, मारपीट, धमकी और गुंडा की कार्रवाई हो चुकी है, गुंडा का एक्ट इसके ऊपर लग चुका है, तो ये आपराधिक टाइप का आदमी है डेफिनेटली। और इस बार इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि अपहरण किया और अपहरण करके जालसाजी कर रहा था, तो उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। मैम कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, तो गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए किस प्रकार का पुरस्कार? गिरफ्तार करने वाली टीम को पीपरपुर थाना अध्यक्ष ने और उसकी टीम ने विदिन 2 आवर्स इनको लोकेट किया, और लोकेट करके अपहृत जो था उसको सकुशल बरामद किया, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र है, और निश्चित रूप से मेरे द्वारा भी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।